देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि ये किस तरह के कलाकार हैं जो पैसे लेकर शादियों में डांस करते हैं, बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं, किसी की दुकान की ओपनिंग में चले जाते हैं। और एक वो दौर था लता मंगेशकर जी का, जिन्होंने कभी एक कहानी सुनाई थी, सत्य घटना पर आधारित जो कहानी है, कि कभी उन्हें $1 मिलियन का ऑफर किया गया था शादी में गाने के लिए, लेकिन उन्होंने कह दिया कि आप मुझे $5 मिलियन भी दे दें तो भी मैं शादी में गाना नहीं गाऊंगी। ये होता है असली कलाकार, उसे पता होता है कि उसकी असली जगह क्या है, उसकी संस्कार क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, और वो अपने कलाकार को जो अंदर का है उसे बेचता नहीं है, उसका सौदा नहीं करता है, जैसे कि ये आजकल के लोग करते हैं। खैर, आज के दौर में पैसे बहुत जरूरत है, लेकिन इनके पास तो ऑलरेडी इतने पैसे हैं, फिर भी ये अंबानी जी के घर पर जाते हैं, कोई खाना परोसा है, कोई भाई कारपेट बिछा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब जैसे एक आम परिवार होते हैं ना, जैसे हम अपने घर की शादियों में डांस करें या कुछ काम करते तो ये एक आम सी बात होती है, हम अपने घर में करें, लेकिन दूसरों की शादियों में जाकर ये कर रहे हैं तो ये भी उन्हीं मजदूरों के जैसे हो गए, जैसे होते हैं मजदूर पैसे लेकर शादियों में भाई बर्तन उठा रहे हैं, कपड़े उठा रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, नाच गाने कर रहे हैं, वैसे इन लोगों का हाल है, भले ये कितने ही करोड़पति क्यों ना हो। तो लता मंगेशकर जी लता मंगेशकर थी, इनकी तुलना इन जैसे कलाकारों के साथ करना मतलब बहुत बड़ी बात होगी, और बड़ी बात इसलिए है क्योंकि बात ही बहुत गिरे हुए दर्जे की है कि ये शादियों में किस तरह से पैसे लेकर डांस वगैरह करते हैं, और बातें ये लोग बड़ी बड़ी करते हैं। हालांकि इनके फैंस आते होंगे कमेंट सेक्शन में बहुत सारी गालियां देने के लिए, क्योंकि सच जो है वो कड़वा होता है और कड़वा कोई झेल नहीं सकता है। दोस्तों, एक वो दौर था बॉलीवुड का जब बॉलीवुड के जो कलाकार कहते थे वो करते थे, और वही उनके संस्कारों में शामिल भी था, लेकिन आजकल के ये जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं और इसका रिजल्ट कुछ आता है, और इनका सिर्फ एक ही काम है पैसे लो जेब भरो, दुनिया के बारे में सोचना नहीं है, बस जेब भरी रहनी चाहिए, बाकी दुनिया गई तेल लेने, इनके फैंस गए तेल लेने, लेकिन फिर भी उनके फैंस जो हैं इनके लिए लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। आप देख लीजिए कि आज के दौर में चाहे शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ये लोग किस तरह से गुटखे का प्रचार